नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Vivo Y21a वर्सेस Realme C35 का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो Y21a में 6.46 इंच जबकि Realme C35 में 6.47 इंच की लेंथ मिलती है, जो कि सेम जैसी ही है। विड्थ की बात करें तो Y21a में 2.99 इंच जबकि Realme C35 में 2.98 इंच की विड्थ मिलती है, जो कि सेम जैसी ही है। बात करें थिकनेस की तो Y21a में 0.31 इंच जबकि Realme C35 में 0.32 इंच की थिकनेस मिलती है, जो कि सेम जैसी ही है। अब बात करते हैं वेट की तो Y21a में 182 ग्राम्स जबकि Realme C35 में 189 ग्राम्स का वेट देखने को मिलता है, जो कि Y21a से ज्यादा है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही IPS LCD की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो दोनों फोन में सेम ही 20:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो Y21a में 6.51 इंचेस जबकि Realme C35 में 6.6 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन Y21a में 720x1600 और Realme C35 में 1080x2408 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो Y21a में 81.99% जबकि Realme C35 में 84.62% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो Y21a में 270 पिक्सेल प्रति इंच जबकि Realme C35 में 400 पिक्सेल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो Y21a में 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, मैक्रो कैमरा और आखिर में AI लेंस देखने को मिलता है। और Realme C35 की बात करें तो इसमें भी हमें 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, मैक्रो कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो Y21a में 7 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और Realme C35 की बात करें तो उसमें 8 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो Y21a में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 3 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। और Realme C35 में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें 4 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इंफॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो Y21a में पावर GE8320 जबकि Realme C35 में Mali-G57MP1 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो Y21a में MediaTek Helio P22 और Realme C35 में Unisoc T616 मिलता है। बात करें RAM की तो Y21a में 4 GB की RAM मिलती है जबकि Realme C35 में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 4 GB RAM मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो Y21a में 64 GB की स्टोरेज मिलती है जबकि Realme C35 में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 64 GB 128 GB स्टोरेज मिल जाती है। एक्सपेंडेबल मेमोरी दोनों फोन में अप टू 1 TB है। ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों फोन में एंड्रॉइड V11 देखने को मिलती है। बैटरी की बात करें तो दोनों फोन में 5000 mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही 2 कलर्स ऑप्शन देखने को मिलते हैं।
सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो Y21A में एक ही वेरिएंट देखने को मिलता है जो कि 4GB रैम 64GB स्टोरेज के साथ 14,449 रुपीस में मिल जाता है। वही अगर बात करें Realme C35 की तो उसमें दो वेरिएंट देखने को मिलते हैं जो कि 4GB रैम 64GB स्टोरेज के साथ 11,999 रुपीस, 4GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 12,999 रुपीस में मिलते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की तो Vivo Y21A में 8 फायदे और 2 नुकसान देखने को मिलता है, जबकि बात करें Realme C35 की तो उसमें 8 फायदे और 6 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में दोनों फोन सेम ही है। मेन कैमरा में Realme C35 आगे है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में दोनों फोन सेम ही है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Realme 9 Pro 5G है, दूसरा Oppo F19S है, तीसरा Oppo A16K है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Poco C31 है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना।